स्टिफनेस की बहुत सी वजहें हैं जिसमें लिगामेंट इंजरी, मेनिस्कस टियर या कोई भी आर्थराइटिक कंडीशंस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस, इसके अलावा आफ्टर नी सर्जरी नी स्टिफनेस होना बहुत ही कॉमन है। इन केसेस में डॉक्टर्स जनरली फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। फिजियोथेरेपिस्ट सबसे पहले नी जॉइंट पर रेंज ऑफ मोशन के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, नी फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन फुल रेंज अचीव करने की कोशिश करते हैं। और जब नी में सभी आपके फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव हो जाती है देन दे स्टार्ट विथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली नी बेंडिंग एक्सरसाइजेस पर बेस्ड है, क्योंकि इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें बेसिक नी एक्सरसाइजेस और नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं। इन सभी एक्सरसाइजेस का जो वीडियोस का जो लिंक है वो मैंने शेयर किया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा वीडियो है वो नी बेंडिंग एक्सरसाइजेस पर बेस्ड है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक मशीन जिसे CPM कहते हैं, कंटिन्यूस पैसिव मोशन, पर्टिकुलरली हम नी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, शोल्डर के लिए भी होता है CPM, पर आज मैं आपको नी बेंडिंग के लिए जो हम CPM इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूस पैसिव मोशन, उसका एक ब्रीफ आइडिया देने वाली हूँ। इसके द्वारा बहुत ही स्लो और बहुत इफेक्टिव नी बेंडिंग होती है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। CPM मशीन है, CPM का मतलब है कंटिन्यूस पैसिव मोशन। तो इसके द्वारा पेशेंट की नी बेंडिंग कराई जाती है स्टार्टिंग में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये CPM मशीन कंटिन्यूस पैसिव मोशन इस पर लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं पूरा, इस पर आपको पेशेंट का पैर प्लेस करना है और प्लेस करने के बाद उस पर्टिकुलर पैर के अलग अलग जगह पर आप वेलक्रो से स्टेबलाइज कर सकते हैं पैर को, जिससे पैर में कोई मूवमेंट ना हो, पैर एक जगह स्टेबल रहे। इस तरीके से वेलक्रोज होती हैं, यहाँ पर भी एक वेलक्रो है आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से वेलक्रोज हैं। ये थाई रीजन पर आती है, ये लेग रीजन पर आती है, ये एंकल रीजन पर वेलक्रोज आती हैं और पेशेंट के पैर को स्टेबलाइज करती हैं। ये फिजियोथेरेपी की जो मशीन है ये फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से इस मशीन को ऑपरेट करना है। तो केवल फिजियोथेरेपिस्ट की प्रेजेंस में ही ये मशीन चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, पेशेंट के मूवमेंट पेनफुल हो सकते हैं। आज हमारे साथ पेशेंट हैं मनीषा जी, 18 ईयर्स के हैं और फुटबॉल खेलते हुए दिसंबर में इनको ACL इंजरी हुई थी, लिगामेंट टेयर हो गया था इनका लेफ्ट नी का, और इनकी जो लिगामेंट के लिए जो सर्जरी है वो इनकी मई में हुई थी, 23 मई को इन्होंने सर्जरी करवाई थी लिगामेंट टेयर के लिए। लेकिन आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद इनको इन्फेक्शन हो गया था, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो गया था इनको, और उसके बाद इनको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर्स ने कहा था, इनकी डेली ड्रेसिंग हो रही है उसके बाद से लगातार, और काफ़ी टाइम बाद अब 1 महीने से हमने इनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट की है एंड नाउ शी इज़ डूइंग वेरी गुड। अब इनका बहुत बेटर है, इनके जो डिस्चार्ज हो रहा था वो भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है, और इनके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उन्होंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराई है, इनको नी बेंडिंग के लिए बोला है। विद गॉड्स ग्रेस इनको एक्सटेंशन लैग नहीं है, ये बहुत अच्छा, इनका जो पैर है वो बिल्कुल सीधा हो रहा है, लेकिन नी बेंडिंग में इनको प्रॉब्लम है। तो अभी हम देखेंगे कि सुपाइन लाइंग पोजिशन में किस तरीके से नी बेंडिंग की जा सकती है। अभी CPM मशीन इस समय स्टार्टेड है, CPM पर हमने पेशेंट को प्लेस किया हुआ है पेशेंट का पैर, और जो CPM की मशीन है वो धीरे धीरे पैर को बिल्कुल स्लोली, बहुत ही स्लो है इसका मूवमेंट, धीरे धीरे पैर को मोड़ रही है। क्योंकि पेशेंट मेरे पास ऑलमोस्ट 1 महीने से आ रहे हैं, इनकी नी बेंडिंग बहुत अच्छी हो गई है,
धीरे धीरे पेशेंट का पैर मुड़ रहा है, हमने पेशेंट के पैर को वेलक्रो से पेशेंट के पैर को एडजस्ट किया हुआ है जिससे पेशेंट का पैर ना उठे, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से सीपीएम मशीन वर्क करती है। पेशेंट का पैर धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर स्पीड से मोड़ रही है। इसमें पेशेंट के जो मूवमेंट है वो एकदम पेनलेस होने चाहिए। अगर पेशेंट को पेन फील होता है तो वी हैव टू स्टॉप। तो इस तरीके से सीपीएम मशीन वर्क करती है। आप देख सकते हैं पेशेंट का पैर बिल्कुल धीरे धीरे मुड़ रहा है, और चूंकि पेशेंट को फुल मूवमेंट से जस्ट पहले ये पेशेंट को थोड़ा पेन फील हो रहा है, इसलिए हमने जहां पर पेशेंट ने बताया है कि पेन हो रहा है हमने वहीं पर स्टॉप कर दिया है मूवमेंट। और 5 सेकंड के होल्ड के बाद अब धीरे धीरे पेशेंट का पैर अब सीधा हो रहा है। चूंकि पेशेंट के एक्सटेंशन लेग नहीं है और केवल नी बेंडिंग पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमने जो एंगल है सीपीएम का वो इस तरीके से एडजस्ट किया है कि नी बेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब पेशेंट का जो पैर है वो एक्सटेंड हो रहा है, धीरे धीरे पेशेंट का पैर सीधा हो रहा है, और अब ये भी जो मूवमेंट है ये आप देख रहे हैं ये बहुत ही स्लो स्पीड में है, एक पर्टिकुलर स्पीड है जिसके साथ एकदम स्लो मूवमेंट है, धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है पेशेंट का पैर, और इस तरीके से पेशेंट पेनलेस मूवमेंट पेशेंट को हम करवा सकते हैं सीपीएम के द्वारा। तो धीरे धीरे हम नी बेंडिंग और नी एक्सटेंशन और नी फ्लेक्शन पेशेंट को करवा सकते हैं। पेशेंट को मैंने सुपाइन लाइन पोजीशन में लिटा रखा है और मैंने कहा है पेशेंट को कि धीरे धीरे वो एड़ी रगड़कर पैर को मोड़े। बिल्कुल इजी पेनलेस मूवमेंट होना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे आप पैर को मोड़िए, और जितना आप पैर मोड़ने के बाद आपको धीरे से अपना जो फुट है उसको रेस्ट करना है बेड पर, एंड यू हैव टू होल्ड दैट पर्टिकुलर पोजिशन फॉर 10 सेकेंड्स। तो विल काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ वी आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द लेग। अब धीरे धीरे एड़ी रगड़ कर ही अपने पैर को सीधा करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी नी बेंडिंग करें तो हवा में आपका पैर नहीं होना चाहिए, आपको बेड के सपोर्ट के साथ ही धीरे धीरे नी बेंडिंग करनी है और धीरे धीरे ही नी फ्लेक्शन भी करना है, नी फ्लेक्शन करना है और नी एक्सटेंशन करना है। एक बार और आप कीजिए दोबारा से, धीरे धीरे एड़ी रगड़कर पैर को मोड़िए। यस वेरी गुड, आप अपने इसको ढीला छोड़ो, ग्रेट टो को ढीला छोड़ो। यस वेरी गुड, वेरी गुड। ये इनके लिए पेन फ्री रेंज है। यहाँ पर आकर इनका जो पैर है उसमें स्टिफनेस है, ये पैर ज़्यादा मोड़ नहीं पा रहे हैं। एंड नाउ शी हैज टू होल्ड द पर्टिकुलर पोजिशन फॉर 10 सेकेंड्स, एंड नाउ शी हैज टू एक्सटेंड। तो प्लीज़ एक्सटेंड योर लेग, धीरे धीरे पैर को धीरे धीरे सीधा कीजिए। वेरी गुड, धीरे धीरे सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, एंड नाउ रिलैक्स। वेरी गुड मनीषा, नाइस। कई बार हम पेशेंट खुद नी बेंडिंग जब नहीं कर पा रहे होते तो इन दैट कंडीशन हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि भाई वो अपने हाथ से सपोर्ट करके नी बेंडिंग करने की कोशिश करें। तो हम पेशेंट को पहले बोल रहे हैं हल्का सा नी बेंडिंग करें, और ध्यान ये रखें कि हील को आपको रगड़ते हुए लेके आना है, और दोनों हाथों से इस तरीके से अपने थाई को होल्ड करना है और कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा नी बेंडिंग हो सके इस तरीके से थोड़ा सपोर्ट ये अपने हाथ से दे सकते हैं, थाइस को अपनी ओर खींच सकते हैं। सिटिंग पोजीशन में भी नी बेंडिंग की जा सकती है। तो धीरे धीरे एड़ी रगड़कर पैर को मोड़िए। पेशेंट अपने हाथ का सपोर्ट लेकर भी नी बेंडिंग कर सकते हैं, बिना हाथ के सपोर्ट के भी नी बेंडिंग कर सकते हैं, एज शी फील कंफर्टेबल। एंड जो भी पोजीशन मैक्सिमम ये नी बेंडिंग हो रही है पेन फ्री रेंज में, उसके बाद इनको होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंड नाउ रिलैक्स। सिटिंग पोजीशन में नी बेंडिंग के लिए पेशेंट को
बेड पर बिठाएंगे और इस तरीके से बिठाएंगे कि जो घुटना है वो एज तक आए, और उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि क्रॉस करे पैर को। हाँ, जो अफेक्टेड लेग है वो नीचे, जो अनअफेक्टेड लेग है वो ऊपर, और धीरे धीरे पेशेंट को अंदर की ओर पुश करना है। पेशेंट को पेन हो रहा है इसीलिए पेशेंट को कहेंगे कि वो होल्ड करे पोजिशन को, 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड नाउ रिलैक्स। इस तरीके से आपको पीछे की ओर पुश करना है पैर को। दोबारा करो, पीछे की ओर पुश करेंगे जितना हो सकता है। अब पेशेंट को पेन फ्री, पेन हो रहा है तो उसको बोलेंगे होल्ड करने के लिए 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। वेरी गुड। अब हम पेशेंट को प्रोन लाइन पोजीशन में नी बेंडिंग बता रहे हैं। प्रोन लाइन का मतलब है उल्टा लेट कर नी बेंडिंग बता रहे हैं। इसमें जो पेशेंट का अफेक्टेड लेग है वो ये है, लेफ्ट लेग है अफेक्टेड और ये है राइट लेग। तो पेशेंट को राइट लेग को लेफ्ट लेग के नीचे लगाना है। लगाइए, हाँ, इस तरीके से। एंड देन स्लोली आप राइट लेग के जोर से लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, धीरे 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 बेंड करेंगे, धीरे धीरे बेंड करेंगे। हाँ, इस तरीके से जितना फोर्स पेशेंट सहन कर सकता है, पेन बेयर कर सकता है, तब तक पेशेंट को धक्का देना है अपने राइट लेग से, लेफ्ट लेग को पुश करना है और कोशिश करनी है कि धीरे धीरे नी बेंड हो। 10 सेकेंड्स होल्ड करना है इस पोजिशन पर एंड देन स्लोली रिलैक्स। धीरे धीरे ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए। क्योंकि मेरे पेशेंट कई दिनों से नी बाइंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हमने पेशेंट को कहा है कि एक्टिवली आप जितना मोड़ सकते हैं, मतलब खुद जितना मोड़ सकते हैं, पहले आप अपने लेफ्ट लेग को उतना मोड़िए। तो मोड़ो, लेफ्ट लेग को मोड़ो। हाँ, ये एक्टिवली पेशेंट इतना नी बाइंडिंग कर सकते हैं। वेरी गुड। एंड नाउ राइट लेग को हम धीरे धीरे लेफ्ट लेग के पीछे इस तरीके से प्लेस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, इसको पुश दे रहे हैं एक जो पेन फ्री रेंज में होना चाहिए। ज़रूरी ये है, अगर आप पेन फील हो रहा है तो उसकी वजह से स्टिफनेस बढ़ सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पेन फ्री रेंज में इसको धक्का देना है। इस तरीके से आपने पुश किया है नीचे की ओर, 10 सेकेंड्स होल्ड किया है इस पर्टिकुलर पोजिशन को एंड देन स्लोली रिलैक्स। चूंकि इन्फेक्टेड केस है इसीलिए हम इनको केवल गाइड कर रहे हैं एक्सरसाइजेस के लिए, एंड कई बार नी स्टिफनेस की कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट भी सपोर्ट करके नी बेंडिंग करा सकते हैं, लेकिन चूंकि इन्फेक्टेड केस है इसलिए हम चाह रहे हैं कि पेशेंट एक्टिवली इस मूवमेंट को करे जितना कर सकते हैं, और पैसिवली ये दूसरे अपने ही दूसरे लेग से इसको फोर्स दे, इसको पुश दे, क्योंकि इनको पता है कि कितना इनको पेन हो रहा है, और फिजियोथेरेपिस्ट भी इनको पुश दे सकते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड कंडीशन में ये सजेस्टेड नहीं है। हम स्टैंडिंग पोजीशन में भी नी बेंडिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने पेशेंट को बोला है या बेड का सपोर्ट या किसी भी सपोर्ट को पकड़कर नी बेंडिंग करनी है धीरे धीरे। हाँ, नी बेंडिंग करेंगे, कोशिश करेंगे आपका नी आगे की ओर ना आए और केवल आपका जो नी है वो बेंड होगा, बटक्स को पीछे की ओर लेके जाना है। हाँ, वेरी गुड। होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। वेरी गुड, सीधा हो जाइए। दोबारा कीजिए। हाँ, धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। आप देख सकते हैं नी आगे की ओर नहीं आ रहा है, फुट के आगे नहीं आना चाहिए नी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्टैंडिंग पोजीशन में नी बेंडिंग करने के लिए इस तरीके से आपको वॉल का सपोर्ट लेना है, दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे, आप वॉल पर लीन होंगे, मतलब वॉल का सपोर्ट लेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बटक्स तक वॉल का सपोर्ट लेना है, और फिर धीरे धीरे पेशेंट को बोलेंगे कि वॉल पर अपने आप को धीरे धीरे वॉल के सपोर्ट के साथ नीचे की ओर आए। हाँ, कुछ इस तरीके से। वेरी गुड। एंड जितना इजी पेशेंट को कंफर्टेबल है वहां पर होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं वॉल के सपोर्ट के साथ पेशेंट को
नी बेंडिंग करनी है एंड देन स्लोली रेज करना है. कीजिए होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स. चूंकि पेशेंट को अब 1 महीना हो चुका है एक्सरसाइज करते हुए, इसीलिए एज शी हैज अचीव्ड मोर देन 100 डिग्री नी फ्लेक्शन, मैंने स्टैटिक साइकिल स्टार्ट कराया है पेशेंट को. स्टैटिक साइकिल पर धीरे धीरे पेशेंट को बोला गया है कि पैर मुड़ें और धीरे धीरे सीधा करें. वेरी गुड. 5 to 10 मिनट्स स्टैटिक साइकिल पेशेंट को एडवाइजेबल. तो आपने देखा कि नी बेंडिंग एक्सरसाइजेस मशीन के द्वारा, सीपीएम के द्वारा, या सुपाइन पोजीशन में, या सिटिंग पोजीशन में, या लाइंग पोजीशन में किस तरीके से की जा सकती है. लेकिन फिर मैं आपको दोबारा से एक बात एडवाइस करना चाहूंगी कि ऑलवेज कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट, और फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में ही आप नी बेंडिंग एक्सरसाइजेस कीजिए. क्योंकि समटाइम्स नी बेंडिंग फोर्सफुली करने की वजह से भी नी स्टिफनेस बढ़ जाती है. तो रिमेंबर कि ऑलवेज डू एक्सरसाइजेस इन गाइडेंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट. स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइजेस करते रहिए, फिट रहिए. इसी के साथ धन्यवाद.